हेलो भाइयों, मैं सचिन सनसनवाल, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई आज आप देख रहे होंगे कैमरा में थार। अगर इस थार की बात करूं तो भाई ये टॉप मॉडल है, मैनुअल में हार्ड टॉप। और ये गाड़ी भाई बहुत ही ज़्यादा जानी मानी गाड़ी है, ये हमारे प्रियांशु भाई की है जिनका यूट्यूब पर चैनल है पवार ब्रदर्स के नाम से। आज हम भाई मेनली इस गाड़ी का ऑनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि यार ये गाड़ी 2022 में कैसा डिसीजन है, स्मार्ट डिसीजन है या नहीं है, और मतलब ऑफ रोडिंग के मामले में कैसी है, क्या एवरेज माइलेज वगैरह क्या निकाल के देती है, कंफर्ट वगैरह इसका क्या रहता है। तो भाई मैं बुलाना चाहूँगा प्रियांशु भाई को, इनके ऑनर है जो। भाई एक बार आप फ्रेम में आ जाइए भाई। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने महिंद्रा थार लिए, मतलब बहुत सारे भाइयों को तो मिल ही नहीं रही है ये भाई। तो भाई अगर बात करें इसकी थार की, तो आपने कब ली थी भाई? 1 जनवरी 2022, एक महीने पहले। एक महीने पहले ली थी भाई? मतलब भाई आपने इसकी बुकिंग कब की थी? मैंने दो दिन पहले बुकिंग की थी भाई। ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग की बात है। मतलब अभी हम देख भी रहे हैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है इस चीज़ को लेके कि मतलब महिंद्रा वाले गाड़ी नहीं देते। आपने मतलब शोरूम से कौन से ली थी? मैंने गुड़गांव से ली थी। गुड़गांव से ली थी भाई? मतलब दो दिन में डिलीवरी कैसे मिल गई? एक्स्ट्रा पे करना पड़ा भाई? कोई एक्स्ट्रा पे नहीं, बस थोड़ी सी जानकारी थी। अच्छा, दैट्स व्हाई अपने को मिल। हाँ, वो जानकारी वाली बात हो जाती है। बाकी इस पे भाई वेटिंग तो बहुत जबरदस्त चल रही है, 8-9 महीने की वेटिंग चल रही है। हाँ, अगर भाई बात करें इसके ऑन रोड प्राइसिंग की, तो ऑन रोड प्राइस कितना पड़ गया था? 1650 की पड़ गई थी। 1650 की, 70,000 की एसेसरीज मिला के। अच्छा अच्छा। अगर भाई मतलब बात करें इसके इंजन परफॉर्मेंस की ऑफ रोडिंग में, मतलब जैसे जैसे इलाके में हम रहते हैं, लोकल में रहते हैं, देख सकते हो, मैं भाइयों को दिखाना चाहूँगा एक बार। ये देख सकते हो भाई, अभी हम लेके आए हैं इस थार को। यहाँ पे बहुत ऊंचा पहाड़ है भाई, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, बट बहुत ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग करके आए हैं अभी हम। बहुत मज़ा आता है। और मैं भाई से भी पूछना चाहता हूँ पर्सनली, भाई ऑफ रोडिंग में कैसी है ये गाड़ी? भाई 4x4 इस रेंज तक की, मतलब 16 लाख में डस्टर है या फिर अपनी ये थार है, तो मतलब डस्टर की तो लुक इतनी अच्छी है नहीं, रेनॉल्ट की है तो। लेकिन जो थार है, मेरा मेन पर्पस ऑफ रोडिंग के लिए लिया भाई मैंने। अच्छा, मेरा क्या है, मन में आ गई खेत में घुसानी है। अच्छा, खेत में घुसा दी। अच्छा, मन में आ गया ऐसे पहाड़ पे सीधी चढ़ानी है। अच्छा, सीधी चढ़ा दी। अच्छा, मतलब मेरे को भाई अच्छा लगता है सब करना। और भाई मतलब यार जब आप सोचते हो तो वहीं ले जाते हो उस गाड़ी को, मतलब अब तो वो वाली बात है ना, मतलब कहीं डर भी नहीं लगता, मतलब कोई छोटी मोटी गाड़ी रहती है। हाँ, जाम लग रहा है तो टेढ़ी। एक बार ऐसी पलवल में खड़ा था भाई। अच्छा, तो रास्ते में जाम लगा, तो मेन रोड बन रहा है जो, ठीक है, तो साइड में तो रास्ता था। अच्छा, तो पूरा गंदा कीचड़ का रास्ता भाई। अच्छा, और अच्छी आधे किलोमीटर तक लंबा जाम था। अच्छा, तो मैं और मेरे चाचा थे साथ। हाँ, तो चाचा ले जाओ यहाँ तक। अच्छा, तो भाई मैंने उस खड्डे में तो लेकर अपने पार गए और सारी गाड़ियां पीछे खड़ी देख रही है। अच्छा अच्छा, ये कर क्या रहा यार, ये चीज ये मजा है इसके। हाँ, ये तो मजा है इस गाड़ी का भाई। और मतलब यार लुक्स भी इतनी जबरदस्त लगती है ना भाई, पर्सनली मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई इस गाड़ी का ना, सच बताऊँ तो। मतलब मैं भी बहुत दिल तक आर पार है। हाँ भाई, आर पार गाड़ी है यार। मतलब ये ब्लैक कलर आपने लिया है भाई इसका? ब्लैक कार्डियम कलर ही ब्लैक। हाँ, ये ब्लैक कलर इतना ज्यादा जमता है ना भाई इसमें, मतलब कि बहुत ही मस्त लगती है भाई ये ब्लैक कलर में ना। अगर भाई बात करें इसके कंफर्ट की, तो मतलब कंफर्ट कैसा है? जैसलमेर से आया हूँ मैं, कल ही आया हूँ। अच्छा, 2000+ किलोमीटर गाड़ी चलाई है ये। अच्छा, 1% भी थकावट नहीं है। अच्छा, हाँ जी, मतलब इतने मजे आए, इतने मजे आए। और ऐसा नहीं कि एवरेज कम दी, 13-14 की अपने को एवरेज मिली। अच्छा, 13-14 की एवरेज दे देती है। हाँ, डीजल में, मतलब अब लंबे सफर पे गए थे ना। हाँ हाँ, 13-14 की देती, वरना 10-11 की। 10-11 की। हाँ, मतलब जो पीछे वाली इसकी जो सेकंड रो, मतलब उसमें सुनते हैं थोड़ा सा ऐसी हुआ, मतलब इतना कंफर्ट नहीं है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई। अच्छा, चलना कभी ट्रिप है, भगवान मौका दे। हाँ भाई, बिल्कुल चलेंगे, कितना है तब बताना मेरे को। अब मैं फाफा मार दूं वो चीज ठीक नहीं है ना। हां बिल्कुल, जब इंसान खुद वो करे बैठ के देखे। बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा भाई, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, मतलब जैसे आपको 16.5 लाख रुपए की पड़ी है ऑन रोड, मतलब 16.5 लाख रुपए में आपके पास और भी ऑप्शन थे, मतलब आपने ये ही क्यों चूज की कि थार ही लेनी है भाई? मैं बताऊँ आपसे, हाँ मैं कहीं और गया ही ना। अच्छा, मतलब डायरेक्ट थार पे ही गए आप? कहीं मैंने कहीं सोच ही ना। अच्छा अच्छा भाई, ना सोची क्यों मैं भाई, लेनी एक नंबर है भाई। मुझे आपकी ये बात बहुत बढ़िया लगी, मतलब यार ठीक है यार, मतलब एक इंसान होता है गाड़ी लेने से पहले 10 जगह किया ले लो, क्रेटर लो, फलाना टाइम कर। मैंने ना सोची, मैंने कि नहीं ये। हाँ बिल्कुल भाई, मतलब ये तो मतलब वो वाली चीज है। जो मॉडल है ना, इस पे सबसे ज्यादा वेटिंग है, ब्लैक हार्ड टॉप मैनुअल। हाँ हाँ, तीन चीज ऐसी है इस पे सबसे ज्यादा वेटिंग है भाई। मतलब भाई आप मतलब इसको चला रहे हो, मतलब इतने दिन हो गए हैं आपको, तो मतलब कभी ऐसा चांस हुआ है, मतलब किसी तगड़ी ऑफ रोडिंग में ले गए हो, आपको ऐसा लगा हो थोड़ा सा यार मतलब थार भी यहाँ फंस गई? ऑफ रोडिंग की बात करें, फंसने की, मैंने जो 1 जनवरी के ली। अच्छा, 30 तारीख क्या शोरूम पर खड़ी करी। अच्छा, बैठा गए।
अच्छा मतलब क्या हो गया था इसमें? भाई इसकी वायरिंग खराब हो गई थी। अच्छा हाँ, ना, हाँ। इतनी गंदी जगह फंसा दी गाड़ी पे, बहुत बेकार काम, उसके बाद वायरिंग खराब हो गई भाई। फिर कंपनी वालों ने अच्छा रिस्पांस दिया, अच्छी सर्विस दी मेरे को, रात रात में गाड़ी ठीक करके अच्छा अगले दिन शाम तक मेरे को गाड़ी दे दी। अच्छा अच्छा भाई एक बात पूछे इसमें, मतलब कि ये भी भाई, मतलब जैसे ये गाड़ी पे इस पे इतना जबरदस्त वेटिंग पीरियड जैसे चल रहा है, और मतलब जैसे गाड़ी दे भी देते हैं वो महिंद्रा वाले, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ वो एसेसरी जरूर ऐड करते हैं, मतलब वो मतलब जबरदस्ती वाला सा कुछ हो जाता है कि मतलब नहीं है भाई। एक बात बताओ, उन एसेसरीज के बिना गाड़ी कुछ भी नहीं लगती। अच्छा, सीट कवर कंपनी फिटेड, हैंड रेस्ट हो जाते हैं वो कंपनी फिटेड। अच्छा, और ये डोर वाइजर है वो कंपनी फिटेड, मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो कंपनी फिटेड ही अच्छी लगती है। अच्छा ना मानो, हाँ वो तो सब चीज लगवा में तो फील ना हो भाई वहां में। हां मतलब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मतलब बहुत सारे भाई होते हैं मतलब जो मान लो महिंद्रा थार ले रहे हैं वो, और मतलब वो कंपनी से कुछ एसेसरी लेना ही नहीं चाहते, मतलब वो चाहते हैं कि हम आफ्टर मार्केट ही करवाएं, जो मतलब वो नेसेसरी होती है क्या, मतलब लेनी है? नेसेसरी कुछ नहीं है, अपनी मर्जी है यार। मतलब मैंने बहुत सुना है कि मतलब वो लेनी पड़ती है, मतलब महिंद्रा थार वाले मतलब लगा देते हैं, डिलीवरी वाले दिन हमको जाके पता चलता है कि मतलब ये तो लेनी पड़ेगी, नेसेसरी है, ऐसा कुछ तो नहीं है भाई? अच्छा, आपने मतलब अगर एसेसरी की बात करें आपकी गाड़ी में, तो आपने क्या क्या एसेसरी इसमें ऐड कराई है भाई? ये जो आपके साइड में देख रहे हो, चार्जिंग पॉइंट के साथ साथ। अच्छा, चार्जिंग पॉइंट के साथ और हैंडल पे रैपिंग लगवाई है। अच्छा हाँ, और तो ध्यान नहीं आ रहा भाई। अच्छा, यही सारी चीजें थी जो भी थी। अच्छा, और भाई अगर बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके, भाई एक नंबर, एक नंबर है भाई बिल्ड क्वालिटी, मतलब ड्राइविंग में तो भाई बहुत ज्यादा मजा आता है भाई। गाड़ी फॉर्च्यूनर साइड में खड़ी है तो आप यूं नहीं कहोगे कि हम हल्की गाड़ी में बैठे। और भाई अगर पर्सनली मैं बताऊं ना, तो मतलब जैसे एक साइड में फॉर्च्यूनर खड़ी है और एक साइड में महिंद्रा थार खड़ी है, तो मेरी तो प्रेफरेंस भाई इसी पे रहेगी, थार पे ही, मतलब थार भाई सबकी ही थार रहेगी यार। पता नहीं क्यों, मतलब फॉर्च्यूनर थी लेकिन फॉर्च्यूनर को इसने इतनी जबरदस्त टक्कर दी है, मतलब इतने कम प्राइस रेंज में, और भाई इतना मतलब बिल्कुल यार, मतलब वो चीज एक चीज होती है ना, मतलब कि ऑफ रोडिंग करने का मन होता है आदमी का, तो मतलब एक ऑफ रोड गाड़ी चाहिए, तो मतलब ऑफ रोड गाड़ी जैसे ले लेते हैं, अब मान लो ये ले लिया आपने महिंद्रा थार, तो आप मतलब ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी से पक जाओगे, इसी से आप वो पूरी जो फुलफिल हो जाती है आपकी सारी नीड, तो आप क्यों ही जाओगे फॉर्चुनर वगैरह की तरफ। तो मतलब भाई गाड़ी तो एक नंबर है भाई, बहुत ही जबरदस्त लगती है। अगर बात करें भाई एसेसरी में आपको मतलब कितने पैसे देने पड़े थे आपको एसेसरी के, मतलब 70,000 की एसेसरी आपने लगवाई है, मतलब आपको लगा नहीं मतलब थोड़ी महंगी है ये? भाई महंगी है लेकिन फील है। अच्छा यार वो भी है, खराब नहीं होगी। हाँ कंपनी की चीज़ कंपनी की होती है, वो चीज़ तो सही है। मतलब अब भी मतलब बात करें आपको, मतलब इसको लमसम कितने दिन हो गए, 1 जनवरी को आपने ली थी ये, तो 10-12 आज 12 तारीख है, 1 महीना 12 दिन हो गए आपको, मतलब तो मतलब कितनी चला दी आपने ये? 5,000 किलोमीटर। 5,000 किलोमीटर भाई ठोक के चला दिया आपने भी ये? कहाँ कहाँ की ट्रिप मार दी भाई आपने? भाई जैसलमेर ही गए अभी तो, ट्रिप तक एक ही लगी है। अच्छा, बाकी दिन में 100-150 किलोमीटर चला है। अच्छा, एक दिन में। तो भाई मतलब कह सकते हैं आप पूरे दिल से फैन हो इसके। हाँ। थार के 1,000-1,500 का तेल भाई दिन में दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब गेड़ी मारने का पूरा शौक रखते हो आप। तो भाई मतलब यार इतनी मस्त गाड़ी ली है, और मतलब एक मतलब वो भी होता है भाई, मतलब बहुत सारे भाई ने मतलब ये बुक करवा रखी, और जिनकी नहीं आ रही ना, मतलब वो थार देखते हैं तो मतलब बड़ी जलन सी होती है यार, इसके पास थार है, मतलब मेरी थार पता नहीं कब आएगी। मतलब थार का तो भाई क्रेज ना एक नेक्स्ट लेवल का है यार, थार तो थार ही है भाई इसकी, मतलब इस मतलब गाड़ियों में इसकी कोई वो नहीं है भाई। अगर भाई बात करें मतलब कि इसके अगर रिकमेंड की, तो आप इसको रिकमेंड करोगे मतलब किसी को, मतलब किस बंदे को लेनी चाहिए थार, मतलब आप जो मेरा जैसा हो? हाँ, जिसको मतलब ये रास्ते में चल रहा है, वहाँ चढ़ानी, खेत देनी, कुछ भी करना है। हाँ। या फिर अकेला चल रहा है गाड़ी में, या 2-3 और भाई लोग हैं। हाँ। फैमिली के लिए मैं कहूँगा कि है भी या नहीं भी है। फैमिली के लिए तो यार मुझे भाई अच्छी नहीं लगती, 7-8 में तो बिल्कुल नहीं, बस ये 4 लोगों के लिए यार मुझे मतलब ये ना, ये गाड़ी लेडीज के लिए भी सूटेबल नहीं लगती, मतलब लेडीज में सीट को आगे करो, लेडीज को लेके घूमो। हाँ मतलब लड़के घूमो दोस्तों के लिए तो ये गाड़ी बेस्ट है भाई, जो मतलब जो मतलब लड़के होते हैं ना उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो भाई ये हमारे भाई हैं प्रियांशु भाई, इनका भी YouTube पे चैनल है पवार ब्रदर्स के नाम से। तो भाई बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, गाड़ी के रिव्यू करते हैं, और बहुत ही मस्त मतलब इनका वे है बात करने का।
तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियोस डालते हैं, तो भाई के चैनल को एक बार जाके आप चेकआउट जरूर करना, भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, प्यार करें भाई के चैनल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, अच्छी-अच्छी वीडियो बना रहे, मेहनत कर रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल, भाईचारा दिखाओ यार, एक दूसरे से प्यार करो, कनेक्ट करो। तो भाई ओवरऑल कुछ ऐसी ही वीडियो थी और ऐसा ही भाई का रिव्यू था, बहुत ही ज्यादा मस्त रिव्यू दिया भाई ने ओनर से, मतलब एकदम दिल खुश कर दिया है। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।